हेलो दोस्तों, तो मोहिनी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टैंड बनने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले लूँगी एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच गोटा जीरा, और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें ऐड कर लेंगे 5 से 6 इलायची और 8 से 10 गोल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। तो चलिए इन सबको अच्छी तरह से रोस्ट करते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब है सौंफ डाल लें इसमें। तो सौंफ डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें सौंफ ज़रूर से डालें। अगर आपको बिल्कुल मार्केट रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो सौंफ ज़रूर से डालें। और देखिए, हम इस मसाले को मिक्सर में नहीं पीसेंगे, बल्कि इमाम जिस्ता में इसे दरदरा कूट लेंगे। रेस्टोरेंट वगैरह में इस मसाले को दरदरा ही कूटा जाता है, और कढ़ाई पनीर के मसाले बहुत ज़्यादा पीसे हुए नहीं रहते, थोड़ा दरदरा ही रहते। तो इसे देखिए, हम अच्छी तरह से दरदरा कूट ले रहे हैं। की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और हम देखिए, मैंने प्याज और शिमला मिर्चों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। कढ़ाई में इन सबको 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसे हमें पकाना नहीं है, बस इसे इसका एक कच्चा भाप निकल जाए और इसे इसमें एक अच्छी तरह से रोस्ट कर ले, जिससे कि ये बहुत ही कुरकुरा सा बने, इसका क्रंच भी बना रहना चाहिए। तो देखिए, इसे हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। और जब ये 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून जाएगा, तब इसे डाल देंगे पनीर के पीसेस। और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब हम इस कढ़ाई में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और इस रिफाइंड ऑयल में मैं डाल दूंगी प्याज, जिसे मैंने चॉप कर रख लिया था। तो देखिए, मैंने 2 छोटे प्याज को चॉप किया है। अगर आपके पास बड़े प्याज हो तो एक ही प्याज चॉप करें। और इसे मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी, जिससे कि इसका कच्चा भाप निकल जाए प्याज को। और प्याज जब अच्छी तरह से हमारा भून जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कटा हुआ अदरक, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कटा हुआ लहसुन, और 4 से 5 हरी मिर्च बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। तो ये देखिए, मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली थी, और मैंने ले लिया था 2 से 3 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ अदरक, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और 4 से 5 हरी मिर्च। और इन सबको अच्छी तरह से भूनेंगे। मिर्च भूनने के बाद इन सबका कच्चा भाप निकल जाएगा। और ये देखिए, मैं इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल भून ले रही हूँ, जिससे कि इसका कच्चा भाप निकल जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो इसके लिए मैंने ले लिया 3 टमाटर, और इसके मैंने प्यूरी बना ली है। तो इसके आपको बिल्कुल महीन प्यूरी नहीं बनानी है, टमाटर हल्का दरदरा ही पीसना है, जिससे कि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से कलर भी आए और ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा इसके संग। तो देखिए, हमें टमाटर को 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से पका लेना है, जिससे कि कलर ही बिल्कुल अच्छा आ जाए। तो ये मैंने बिल्कुल खट्टे वाले टमाटर नहीं लिए, ये बिल्कुल हल्का खट्टा होता है, तो मैंने हाई बीट टमाटर का यूज़ किया है। और इसे मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके पका लूँगी, जिससे कि टमाटर का एक कच्चा भाप भी निकल जाए। और ये देखिए, जब टमाटर बिल्कुल मेरे अच्छी तरह से पक जाएंगे, तब इसे मैं मिक्स कर दे रही हूँ नमक। नमक डालने से टमाटर और भी अच्छी तरह से पक जाता है। आप जब भी टमाटर का यूज़ करें तो इसके साथ नमक डाल दें, जिससे कि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा। और इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट तक के लिए मसाले को अच्छी तरह से पकने देंगे। जब हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो हम इसे खोल लेते हैं, और इसमें हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले। तो देखिए, मैं सारे सूखे मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। तो मैंने डाल दिया 1 चम्मच के करीबन कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसके बहुत अच्छा कलर आएगा, और 2 चम्मच के करीबन धनिया पाउडर, और इसे मैंने डाल दिया 1 चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर। अब हम इस मसाले में ऐड कर लेंगे 1/2 कप के करीबन गर्म पानी, जिससे कि मेरे मसाले जलेंगे नहीं। और इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है, जब तक हमारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह पक ना जाए और तेल ना छोड़ दे। तो देखिए, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने होममेड कढ़ाई पनीर मसाला बना कर रखा था। इसे मैं ऐड करके अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक के लिए मिला लेना है। ये मसाला पहले से ही रोस्ट किया हुआ है, इसीलिए इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1/2 कप के करीबन गर्म पानी, जिससे कि मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, मेरे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ऐड कर लिया है इसमें 1/2 कप के करीबन गर्म पानी। आप इसमें गर्म पानी का ही ऐड मसाला गर्म पानी यूज़ करें, जिससे कि आपके मसाले ख़राब ना हो और आपका कलर भी ख़राब ना हो मसालों का।
तो देखिए अच्छी तरह से उबल चुका है। तो इसमें मैंने सारे पनीर, कैप्सिकम और प्याज के पीसेस को जो मैंने रोस्ट करके रखा था उसे इसे मिक्स कर दिया है, और इसे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सारे मसाले मेरे मिक्स हो चुके हैं और पनीर में मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से उबल जाने देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, अच्छी तरह से मेरा मसाला पक चुका है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 हरी मिर्च। आप इसमें चाहे तो ज़्यादा भी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं या कम मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तब मेरा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टैंड कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हुआ है। अब इसे मैं ऊपर से ऐड कर दे रही हूँ 1/2 चम्मच के करीबन कसूरी मेथी, और इसे मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच के करीबन गरम मसाला, और ये देखिए मैंने 2 चम्मच मलाई फेंट कर रखा था तो इसे मैं ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हुआ है। आप इसे नान, पराठा, कुलचा, फ्राइड राइस किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज की रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए और मस्त रहे।